ऐसा 9 महीने पहले वीडियो किसी मतलब किसी का, तो पूरी गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग का प्रॉपर पूरा काम किया हुआ है। सो मैं करता हूँ वीडियो को एंड, थैंक यू। क्या तुम मेरे साले? सो गाड़ी तो आई है हमारे पास, ये आर्टिका आई हुई है। और मैंने कितना टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए, 9 महीने पहले मैंने पूरी गाड़ी का इंटीरियर एक्सचेंज पूरा किया था। ब्रांड न्यू गाड़ी मेरे पास आई थी, सो कुछ डैमेजेस हो गए थे गाड़ी में। सो पूरा बम्पर गाड़ी का भैया का डैमेज हो गया था गाड़ी का। सो उसके अंदर लाइट्स हमने जो एक्स्ट्रा लगाई थी वो पूरी डैमेज हो गई थी, तो री इंस्टॉलेशन के लिए वापस हमारे पास आज गाड़ी आई हुई है। पूरा बम्पर आप देख सकते हैं, पूरा खोला हुआ हमने बम्पर ये। सो फर्स्ट इसके अंदर हमने LED डाली, हमने बल्ब ये, और उसके बाद अंदर की जो LED है वो भी हमने डाली है इसके ऊपर। पूरा बम्पर खोल के प्रॉपर इसके ऊपर DRL की इंस्टॉलेशन हमने कर दी है, और प्रोजेक्टर की आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर की भी जो है पूरी इस पर इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। ये ट्राई कलर के अंदर ये लेज़र प्रोजेक्टर इसके अंदर डाले हमने, अभी 3 कलर के अंदर आते हैं ये। सो पूरा बम्पर इसका खोल दिया हमने, खोलने के बाद प्रॉपर तरीके से पूरी लग रही है ये। सो पूरी गाड़ी के अंदर हमने ये पूरा इंटीरियर का पूरा काम किया हुआ था पहले भी, पूरी गाड़ी में मैंने पूरे इंटीरियर किया था 9 महीने पहले। वीडियो किसी मतलब किसी कारण से नहीं डाली थी, सो आज इसको मैं 9 महीने बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ। स्टीयरिंग का प्रॉपर हमने इसके ऊपर कस्टमाइज पूरा काम किया हुआ है, वुड वर्क इसके अंदर हमने प्रॉपर किया हुआ है। वुड वर्क के साथ में डैशबोर्ड का पार्ट आप देख सकते हैं, इसकी जो ग्रेन्स हैं और पूरी लकड़ी वाली फील है इसके अंदर प्रॉपर एकदम। सो बहुत ही बढ़िया चीज़ इसके ऊपर हाइड्रोटेप में कन्वर्ट की हुई है ये। साइड की ट्रिम्स आप देख सकते हैं, ट्रिम्स के ऊपर भी प्रॉपर पूरा काम किया हुआ है। लेदर डोर पैड्स इसमें किया हुआ है, जो पावर विंडो की जो प्लेट्स हैं उसको भी हमने हाइड्रोटेप में कन्वर्ट किया हुआ है। साइड में अगर आप देखोगे जो कैच कवर है इसके अंदर भी हमने इसको हाइड्रोटेप में पूरा कन्वर्ट किया हुआ है। ये सीट कवर पूरे कस्टमाइज किए हुए हैं, कस्टमाइज के अंदर आप देख सकते हैं 2-टोन के अंदर प्रॉपर पूरा इंटीरियर सीट कवर का पूरा रेडी किया हुआ है। एक्स्ट्रा बेडिंग वाले इसके अंदर हमने सीट डाली हुई है, जो कि ऊपर का जो डिज़ाइन है वो क्विल्ट का है, और नीचे का जो डिज़ाइन है वो स्टैंडिंग रूलिंग वाले डिज़ाइन से ही है। पूरी पैडिंग आप चेक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुशन वाली सीट्स हैं प्रॉपर ये। गियर की नॉब भी आप देख सकते हैं, गियर की नॉब को हमने 2-टोन में कन्वर्ट किया हुआ है। जो नीचे का कपड़ा है उसको भी हमने 2-टोन में कन्वर्ट किया हुआ है। नीचे का जो कंसोल है इसको भी हमने पूरा कन्वर्ट किया हुआ है हाइड्रोलिक के अंदर। सेंटर आर्मरेस्ट इसके अंदर ओरिजिनल लगाया हुआ है, और उसको भी कन्वर्ट किया हुआ है 2-टोन के अंदर ये। सो प्रॉपर आप पूरी गाड़ी की फिनिशिंग आप प्रॉपर पूरी चेक कर सकते हैं, पूरी थीम वाइज प्रॉपर पूरा काम किया गया इसका। बैक से अगर आप देखोगे तो बैक के जो सेम पैनल हमने तैयार किया हुआ है, ये रिंकल फ्री जो सीट कवर्स होते हैं हमारे वो प्रॉपर पूरा प्रोसेस के हिसाब से पूरा बनाया हुआ है ये। नौ महीने होने के बाद भी उसकी जो रिंकल्स की जो प्रोसेस है वो सिर्फ बैठने की वजह से ये पोस्टर एक्सचेंज हुआ है इसका। अदरवाइज आप पूरी सीट्स की आप पैडिंग भी प्रॉपर चेक कर सकते हो। 9 महीने बाद मैं इस गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ, जो थाई सपोर्ट थे वो भी आज तक पूरे स्टिल एकदम हैवी है, और पीछे की बैक की भी आप देख सकते हैं प्रॉपर है ये। अंदर जो रूम लैंप इसके अंदर हमने लगाए हैं, पूरी एकदम प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर पूरा काम किया गया इसका। पूरी आप गाड़ी की चेकआउट कर सकते हैं। तो लाइट है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा डूम लाइट लगाई हुई है। सपोज अगर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है उसको कुछ खाने वाने के लिए सामान चाहिए तो सब उसे प्रॉपर दिखना चाहिए। एम्बिएंट लाइट का प्रॉपर पूरा काम किया है, और K3 से पहले वाली जो लाइट है ये जो ट्यूब जिसमें लगकर आती थी लेंस लगती थी वो वाली इसके अंदर हमने एम्बिएंट लाइट लगाई हुई है। तो प्रॉपर पूरी वर्किंग है, प्रॉपर एकदम चल रही है ये। ऊपर का पैनल आप चेक कर सकते हैं, इसको भी हमने हाइड्रोटेप में कन्वर्ट किया हुआ है। ये अंदर के जो वेंट है ये भी प्रॉपर इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ हाइड्रोटेप में। सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का जो है ये गोफार का एमटेक का रूफ कैरियर, रूफ कैरियर को भी आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं ये। ये गोफार का ओरिजिनल पूरा कैरियर इसके ऊपर लगाया गया है, पूरी लग्जरी लुक दी हुई है, और जो इसको एरोडायनेमिक शेप है इसकी वो प्रॉपर पूरी एरोडायनेमिक के हिसाब से प्रॉपर पूरा बना हुआ है। स्पॉइलर जो इसके ऊपर लगा हुआ है सेम ही ओरिजिनल स्पॉइलर इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है भी, सेम आप 00 मैच आप देख सकते हैं। आज भी जो इसकी फिनिश है वो प्रॉपर 00 है, कहीं से पेंट पील नहीं हो रहा, कोई कैप उखड़ी नहीं हुई, कुछ नहीं हो रखा इसका। विंडो फ्रेम इसके ऊपर लगाए थे हमने, ये क्रोम हैंडल इसके ऊपर प्रॉपर हमने लगाए थे। ये पूरी आप फिनिश इसकी चेक कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का पार्ट प्रॉपर इसके ऊपर लगा हुआ है। साइड की बिडिंग इसके ऊपर लगाई हुई है। अभी जो नेक्स्ट आएगी रॉयल व्हील्स के लिए गाड़ी हमारे पास आनी है, और टायर भी अगर देखेंगे एक्सचेंज कुछ हो गया तो ठीक है।
15 से 16 के अंदर कन्वर्ट करना है इसको हमने। तो पीछे टेल बार इसके अंदर प्रॉपर हमने लगाई है, जो पीछे साइड में जो पिलर लैंप है वो भी हमने प्रॉपर इसके ऊपर इंस्टॉल किए थे ये। सो प्रॉपर पूरी वर्किंग करती है ये। इंडिकेटर के अंदर इंडिकेटर का प्रॉपर काम करेगा, लेफ्ट का राइट साइड में राइट का काम करेगा। पिलर में जो भी सेम सिस्टम होता है, जैसे आप इंडिकेटर दोगे इंडिकेटर का काम करेगा। लेफ्ट का इंडिकेटर देना है एक बार हमें, ये लेफ्ट का इंडिकेटर आप देख सकते हैं, जैसे इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है सेम प्रॉपर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है ये। तो प्रॉपर इसमें हमने पूरा काम किया था, पूरी गाड़ी लग्जरी मॉडिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पूरी बनाई हुई थी ये। क्रोम का काम इसमें हमने किया था प्रॉपर पूरा, क्रोम की फिनिश आप चेक कर सकते हैं। कुछ एज पॉइंट है तो उसके ऊपर रस्ट है ये भी, और डस्टिंग है सॉरी, अदरवाइज गंदा नहीं है ये बहुत ज़्यादा। सो किसी भी आर्टिका के अंदर आपने काम कराना है, लग्जरी इंटीरियर कराना है, आप सेम करा सकते हैं ये। पूरी गाड़ी की प्रॉपर पूरी चेकआउट कर सकते हैं ये। ड्राइवर डोर की आप सीट चेक कर सकते हैं, ड्राइवर 9 महीने के अंदर ये सेम इसका प्रोसेस है, 9 महीने के अंदर भी ये सेम इसकी बैडिंग, जो ये पूरे एज पॉइंट है इसके, जो बैक के जो कर्व है ये भी आप पूरे देख सकते हो। पूरे साइड सपोर्ट प्रॉपर पूरे इसकी आज भी सेम बने हुए हैं ये, जो इसकी सीट की फिटिंग है, जो बैक सपोर्ट है प्रॉपर है सारे इसके अंदर अभी भी। एक्सपीरियंस है, हो सकता है दो चार चीजें माइनस हो प्लस हो, सो उसको एक्सेप्ट करेंगे और ठीक कर रहे हैं, आज भी हम ठीक कर रहे हैं चीजें, अपने आप ही कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कार लिबास के नाम से मेरा चैनल है। और प्रॉपर अब ये लोकेशन प्रॉपर हमने पूरी यूज करने के लिए पूरी जगह ली हुई है ये, गाड़ी प्रॉपर अंदर आती है और प्रॉपर पूरा काम हो जाता है इसके अंदर। वन रूफ शॉप हो गई, सारी चीजें आपको इसी के अंदर मिलेंगी, कस्टमाइजेशन होगी सारा में, PPF कोटिंग और ड्राई क्लीन, ड्राई वॉश, प्रीमियम वॉश, आपको सारी चीजें मिलेंगी। और जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो USA ब्रांड के प्रॉपर हमने ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पूरी इसकी किट आनी स्टार्ट हो गई है ये। सो कार प्लांट का ये अल्ट्रा शैम्पू का पूरा सिस्टम है, सारे प्रोडक्ट जो है ये पूरे जेन्युइन है और बहुत अच्छी चीज है ये, पूरे प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर इस पे यूज किया जाएगा ये। सो जब भी कोई गाड़ी आएगी एक बार मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके का प्रोडक्ट है और किस तरीके का वो यूसेज उसके ऊपर होता है ये। तो प्रीमियम वॉश करानी हो गाड़ियाँ वो भी करा सकते हैं, सेम प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं उसके ऊपर। सो एक बारी फ्रंट की जो लाइट्स का काम हो रहा है, वो इनका बम्पर डैमेज हो गया था, वो लाइट्स पूरी प्रॉपर चेंज हो रही हैं। तो एक बारी जैसे वो पूरी रेडी हो जाती हैं तो फिर एक बारी मैं दोबारा जुड़ूंगा आपके साथ। जो गाड़ी की जो मैं बात बोल रहा था आपसे अभी, आटे का जो वीक्स है मेरे पास आई हुई है सिल्वर कलर की, ये जो गाड़ी आई है 9 महीने बाद हमारे पास आई है, इसका हमने आपको पूरा अभी दिखाया था पूरा काम करते हुए गाड़ी में। जो फ्रंट के अंदर इसके अंदर अभी काम किया है वो फ्रंट के अंदर ये डीआरएल फॉग लाइट लगाई है, प्रोजेक्टर हेडलाइट में एलईडी बल्ब डाली है, प्रोजेक्टर डाल दिया इसके अंदर ट्राई कलर में। तो ट्राई कलर के हिसाब से अभी देख सकते हो, नॉर्मल पार्किंग की लाइट इसके अंदर रही है, पार्किंग में डीआरएल चल रही है और ऊपर की जो एलईडी बल्ब है वो हमने चेंज किया वो भी चल रहे हैं। हेडलाइट जो हमने इसके ऊपर डाली है ये 156 वॉट की मोको की डाली है 18,000 लुमेंस की। इसका हाई बीम और लो बीम प्रॉपर सिंगल रोशनी का है, जो इसमें डीएनए लगी हुई है वो भी आप देख सकते हो कि ये इसकी रोशनी और इसकी दोनों की रोशनी बिल्कुल परफेक्ट है। ये हो गए नॉर्मल इसके प्रोजेक्टर फॉगलाइट, लाइट नॉर्मल प्रोजेक्टर फॉगलाइट के अंदर ड्राई कलर के अंदर फॉगलाइट है ये येलो हो गए, ये वॉर्म व्हाइट हो गई, ये एलईडी व्हाइट हो गई। तो फॉग के अंदर अगर आप इसको चलाना चाहते हो प्रॉपर इसके अंदर प्रॉपर पूरे वर्किंग करेगा ये। बस इसका भी आप फीचर चेक कर सकते हो, जो रेजिस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्रॉपर, कोई प्रोजेक्ट के अंदर मतलब फोकस के अंदर कोई कमी नहीं है इसके अंदर। ग्राउंड क्लीयरेंस आप देख सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से 1.5 मीटर का प्रोसेस है, 1.5 मीटर के बाद ये फॉग ने अपना काम चालू कर दिया प्रोजेक्टर में इसके, जो येलो बीम है इसकी। नॉर्मली जो बल्ब का जो रोशनी होती है इसकी इसकी दोनों सेम होती है, क्योंकि इसमें एलईडी लगी होती है, एसएलडी लगी होती है, तो बल्ब की रोशनी सेम होती है। इसके अंदर इसकी भी रोशनी पूरी ट्रू कॉपी सेम है, साथ में जो इंडिकेटर इसके है फ्रंट के अंदर हमने जो डीएलएल इसमें लगाई है, डीएलएल में भी ये मैट्रिक्स इंडिकेटर साथ में होते हैं ये।
बैटरी से इंडिकेटर के साथ लेजर बूस्टर इसमें प्रोजेक्टर डाले हैं, जिसमें ट्राई कलर मैंने आपको दिखाया, भी ट्राई कलर में चलते हैं ये। तो पूरा इंटीरियर का प्रॉपर पूरा काम करती है, और जो बेसिक एक चीज हमने इसके ऊपर लगाई है, जो भी जो सिस्टम नहीं लगा हुआ था, नौ महीने से बिना सिस्टम की गाड़ी चल रही थी, वो भी एक बड़ी अपना दिखाता हूँ किस तरीके का हमने इसमें नॉइज यूज किया हुआ है। सिस्टम जो हमने इसके ऊपर लगाया है, सेम मोटर जो है ब्रांड का सिस्टम हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये इसकी आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, मोटर जो है 9 इंचेस में रहने वाला है। इसमें दो चीजें बेस्ट है, टी लिंक सॉफ्टवेयर इसके अंदर इनबिल्ट है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेस चलता है, 2GB रैम और 16GB का स्टोरेज का मॉडल है। यूट्यूब इसमें डायरेक्ट चला सकते हैं आप, वीडियोस प्रॉपर चलेंगी, अब वीडियो की क्लैरिटी प्रॉपर आपको दिखाता हूँ किस तरीके का इसमें वीडियो है ये। सो वीडियो की क्लैरिटी आप पूरी देख चेकआउट कर सकते हैं इसकी, सुपर क्लास वो है क्लैरिटी इसकी। ये नया एक ट्रैक स्टार्ट हो गया, टच का फील आप चेक करो इसका, बहुत बढ़िया चीज इसमें हमने सॉल्व कर दी है। ये 9 इंच का सेम रहने वाला है, रिवर्स के अंदर इसमें हमने कैमरा लगाया है, कैमरे की भी आप क्वालिटी पूरी चेक कर सकते हो, पूरी एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। डैशबोर्ड का प्रॉपर पूरा काम हो गया, जो फ्रेम इसके ऊपर हमने किया है यूज, ये भी हमने जो है पियानो ब्लैक के अंदर स्पार्कलिंग ब्लैक वाला पैनल हमने यूज किया हुआ इसके ऊपर, ये की भी आप इसकी पूरी स्पार्कल चेक कर सकते हैं। सो पूरे इंटीरियर का पूरा हमने काम इसके ऊपर कर दिया, जिसमें डैशबोर्ड का काम हो गया, एम्बिएंट लाइट हो गई, एम्बिएंट लाइट का भी जो ये मल्टीपर्पज मल्टीफंक्शन वो रहता है कलर वाइज, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं पूरे। सो प्रॉपर पूरा हमने सारा सामान इसके ऊपर सारी चीजें इंस्टॉल करी हुई थी, पहले भी हमने की हुई थी, जो आज का पूरा काम था वो हमने इसके ऊपर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आगे की आप लाइट का थ्रो चेक कर सकते हो, मैं एक बार बाहर भी आपको चल के दिखाऊंगा किस तरीके का पूरा इसमें हमने ये इंस्टॉल किया है। पार्किंग ऑन ऑफ करी, कलर चेंज हो रहा है, पार्किंग ऑन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, सारी चीजें इसमें इसी बटन के थ्रू हो रही है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, कार लिबास के नाम से मेरा चैनल है। मोतीनगर और कीर्ति नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। सो मेरा मोबाइल नंबर है 9811632352, 9906323352। सो मैं करता हूँ वीडियो को एंड, थैंक यू।